नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के बारे में, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। और याद रखिए, इसमें हम लोग इतने विस्तार से इसके बारे में जानेंगे कि आप लोगों को आज के बाद कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखिए, संघ लोक सेवा आयोग से किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका आंसर भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। और याद रखिए, हम लोग इस क्लास में कोई भारी भरकम शब्दों का उपयोग ही नहीं करेंगे। बहुत ही साधारण शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। और आप देखिए कि आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो कई लोग आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, इसके कार्य क्या हैं, इसका संविधान में कहाँ जगह मिली हुई है, कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है। इस तरह के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेंगे। और इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों ने अगर देखा है तो हम लोगों ने देखा था कि यूपीएससी का ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा है, उस पर हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई थी। तो आप लोगों ने अगर उसे नहीं देखा है तो जाकर आप लोग देख भी सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि 1 अक्टूबर 1926 को इस संस्था की स्थापना होती है। कब? 1 अक्टूबर 1926 को। लेकिन आप देखेंगे कि 1950 में इसे संवैधानिक दर्जा मिलता है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ संविधान हमारा लागू हो गया था। लेकिन पूरी तरह से हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद ही आप देखते हैं इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं, संविधानिक संस्थाएं हैं, उनका गठन होना प्रारंभ होता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और संविधान में आप लोग भाग 14 देखेंगे ना संविधान का, उसमें आप लोगों को संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। और इसमें आप देखेंगे 315 से लेकर 323, ये सभी अनुच्छेद आपकी यूपीएससी से संबंधित हैं। कितने से? 315 से लेकर 323 तक। और आप सभी जानते हैं कि भारत का केंद्रीय भर्ती हेतु ये जो भी भर्ती निकलती हैं, यूपीएससी से संबंधित बात कर रहा हूँ, तो यही संस्था करवाती है, ठीक है। और स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था कहने का मतलब होता है, क्या होता है, कि संविधान के हिसाब से इसकी स्थापना की गई है। संविधान के किसी अनुच्छेद में इसकी व्याख्या आप लोगों को देखने को मिलेगी। संविधान का कोई आर्टिकल आपका यूपीएससी से संबंधित होगा, तभी आप लोग इसे संविधानिक संस्था कह रहे हैं। इसका गठन संविधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है, इसीलिए इसे संविधानिक संस्था कहते हैं। अब बात आती है कि इसमें इसकी संरचना के बारे में। कई बार आपसे पूछ भी लेता है कि यूपीएससी में कितने सदस्य होते हैं और इनकी सदस्य की योग्यता क्या है। योग्यता कहने का मतलब है कि आप सोचिए कि आप लोग परीक्षा देते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। एक तो आप लोगों के पास से एक तरह से स्नातक होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, आपकी एज कितनी, 21, मिनिमम 21 एज होनी चाहिए, समझ रहे हैं। इसी तरह की योग्यता की बात की जा रही है। तो इसमें या एक अध्यक्ष होता है और कुछ सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं इस संविधान में, इसका उल्लेख कुछ भी नहीं किया गया है। सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ये आप अपने दिमाग में अच्छे से रख लीजिए पॉइंट। लेकिन फिर इसके सदस्यों की संख्या निर्धारित कैसे होती है, तो याद रखिए, सदस्यों की संख्या का निर्धारण जो हमारे राष्ट्रपति साहब हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, वही करते हैं। और सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि आयोग में 9 से 11 सदस्य होते हैं। तो ये आप लोगों को बड़े ध्यान से सुन लेना है और अपने क्या करना है, दिमाग में रख लेना है इस पॉइंट को। अब बात आती है कि इनके योग्यता क्या होना चाहिए सदस्यों की और अध्यक्ष बनने के लिए। तो आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए, संविधान में आयोग के सदस्यों के लिए कोई योग्यता नहीं रखी गई है। संविधान ने
कोई योग्यता नहीं रखी है कि योग्यता चाहिए संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए। लेकिन आप देखेंगे एक परंपरा बन चुकी है, या आप कह सकते हैं रीति बन चुकी है, कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत या फिर राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक काम करने का अनुभव होना चाहिए। एक तरह से आप रीति रिवाज कह लीजिए कि रीति रिवाज बना हुआ है। अब बात आती है इनकी नियुक्ति की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति साहब करते हैं। यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति साहब। और आप देखेंगे आपके वनडे एग्जाम हो या आप देखिए यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस प्रीलिम्स हो, या आप देखिए और भी आपके स्टेट पीसीएस होते हैं, उनमें कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको मालूम होना चाहिए राष्ट्रपति साहब। ये अपना त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? मान लीजिए कि आप लोग यूपीएससी के आप में से कोई अध्यक्ष है, अब आप इस पद से हटना चाह रहे हैं, तो अपना त्याग पत्र यानी कि हम इस पद को त्याग रहे हैं, इस तरह का लिखित पत्र किसे दे सकते हैं आप लोग? तो याद रखिए ये भी राष्ट्रपति को ही आप लोग देंगे। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, और अब जब आप अपनी इच्छा से पद त्यागना चाहें तो आप लोग लिखित में पद त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देखते हैं। अब बात आती है कार्यकाल की, कि इनका कार्यकाल कितना रखा गया है। मान लीजिए कि आप में से एक कोई भी व्यक्ति लोग आपका संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनता है या सदस्य बनता है, तो ये इस पद पर कितने सालों तक रह सकता है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु। 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु का कहने का सीधा सा मतलब है कि मान लीजिए आप लोग 2021 में आप लोग इस पद पर आते हैं, अध्यक्ष या सदस्य बनते हैं, और आपकी 6 साल रहेगी, तो 2021 से आप लोग कितने साल तक? 27 तक रहेंगे, 2027 तक। लेकिन उससे पहले अगर आपकी आयु 65 वर्ष हो जाती है तो आप लोगों को अपना पद त्यागना पड़ेगा, ठीक है? तो जो भी पहले हो इसमें, उस हिसाब से आपको कार्यकाल आपका रहेगा, ठीक है? अब देखिए आप लोग कि मान लीजिए कि लोग संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं है, या अध्यक्ष का पद रिक्त है, या अध्यक्ष अपने किसी काम से गया हुआ है, उस पद पर अभी नहीं बैठा हुआ है, इस परिस्थिति में क्या होगा? कोई अगर निर्णय लेना है तो कौन अध्यक्ष का काम करेगा? तो आपको मालूम होना चाहिए कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में या फिर पद रिक्त हो या पद ही खाली हो, तो उस समय राष्ट्रपति क्या करेंगे? इन सभी सदस्यों में से किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है। ये किसके पास शक्ति है? हमारे राष्ट्रपति साहब के पास। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात आ गई कि इनकी नियुक्ति की बात हो गई, पद त्यागपत्र की हो गई, लेकिन आप देखिए कि अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होता है या पागल होता है, दिवालिया हो जाता है, तो उसे पद से पहले भी हटाने का कुछ प्रावधान तो होना चाहिए, तो इसे पहले भी हटाया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब है कि 6 साल इनका कार्यकाल पूरा ना हो उससे पहले भी हम लोग इसे हटा सकते हैं। किस तरह हटाएंगे? तो अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाना राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। अब राष्ट्रपति किस तरह से हटाएंगे? तो दिवालिया, मानसिक या फिर शारीरिक अक्षमता या फिर कदाचार के कारण हटाने पर मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है, और इस मामले में आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगी। यहाँ राष्ट्रपति के पास अपनी कोई शक्ति नहीं होगी, उच्चतम न्यायालय जिस तरह की सलाह देगा वो राष्ट्रपति को हर हाल में माननी होगी, कोई दूसरा विकल्प राष्ट्रपति के पास नहीं रहेगा। सीधा सा आप लोग समझिए, अगर कोई पागल है तो उसका संघ लोक सेवा आयोग में क्या जरूरत है उसकी? उसे हटा दिया जाएगा, ठीक है? तो ये आप लोग पॉइंट जरूर याद रखिएगा। अब देख लीजिए, कई बार आप लोगों से सामान्य जानकारी के लिए कोई आपसे पूछ भी लेता है कि चलिए आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बताइए यूपीएससी में पहला अध्यक्ष कौन था,
सबसे पहले जब इस संगठन का, इस आयोग का गठन होता है, स्थापना होती है, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रास बारकर थे, बारकर थे, ठीक है, रास बारकर। अगर आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत में संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय कौन थे, तो एच के किपलानी, एच के किपलानी साहब। अगर आपसे कभी पूछे कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिए रोज मिलियन बैथ्यू, ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अभी मैं बात कर रहा हूँ ये जुलाई और अगस्त तक, आगे अगर बदलते हैं तो आप लोग करेंट से अपडेट बने रहिएगा। अभी है आपके प्रदीप कुमार जोशी, और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार कई बार बोलता भी हूँ कि आप लोग कम से कम एक न्यूज़पेपर फॉलो किया करिएगा, पढ़ा करिएगा। इससे क्या रहता है कि स्थाई आंकड़े तो आप लोगों के कवर हो जाते हैं जब इस तरह की क्लासें आप लोग लेते हैं, लेकिन अस्थाई आंकड़े के लिए आप लोगों को करेंट से जुड़ा ही रहना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि स्थाई आंकड़े कहने का मतलब है कि आप सोचिए पहले अध्यक्ष अब आगे बदलेंगे थोड़ी, जो था वो था, प्रथम भारतीय ये बदलेगा थोड़ी, ये महिला बदलेगी थोड़ी, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये हैं आपके स्थाई आंकड़े। और अस्थाई आंकड़े कहने का मतलब आने वाले समय में कौन अध्यक्ष बनेगा, इसमें कुछ और सुधार होता है या कुछ और जोड़ा जाता है, ये सभी आपके अस्थाई आंकड़े होते हैं। वो ये कहाँ से अपडेट करते हैं आप लोग? करेंट अफेयर्स से, न्यूज पेपरों से, कि देश दुनिया की खबर आप लोगों को मालूम चलती रहती है, किस पद पर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सब भी आप लोगों को न्यूज पेपरों के जरिए ही मालूम चलता है। और अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम से, तो दैनिक आपका जागरण हो गया, राष्ट्रीय संस्करण की बात कर रहा हूँ, जनसत्ता हो गया, लोकसभा राज्यसभा टीवी हो गई, पीआईबी हो गई, इन सबको आप लोग फॉलो करते रहा करिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ और वी पॉइंट है इनके। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। इनके पेंशन या भत्ते या आप देखिए वेतन में कोई कटौती नहीं की जाती है, और इस पर संसद में मतदान भी नहीं होता है। आप समझ रहे हैं, बजट आप देखते हैं, बजट आपका संसद में रखा जाता है, उस पर मतदान होता है, बहस होती है, इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको देना है मतलब देना है। आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी और नौकरी का पात्र नहीं होगा। आप देखिए उसके अंदर अगर ये प्रावधान ना रखा जाए तो उसके अंदर लालच आ जाएगा। यहाँ भी आप लोग एक उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए कि आप लोग अध्यक्ष हैं, ठीक है, लोक सेवा आयोग के आप लोग अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं, अगर आपसे कहें कि आप लोग थोड़ा ये गड़बड़ी कर दीजिए, आप लोग इस तरह का कोई घोटाला कर दीजिए, फर्जीवाड़ा कर दीजिए, आगे आने वाले समय में आप जब रिटायर्ड होते हैं तो आपको कोई अच्छी नौकरी हम दिला देंगे, कोई राज्य सरकार कहती है, कोई केंद्र सरकार कहती है आप लोगों से, तो हो सकता है कि आपके मन में लालच आ जाए कि 6 साल बाद मैं हटूंगा तो कुछ और भी मुझे मिलता रहेगा, फायदा होता रहेगा, तो आप लोग हो सकता है भ्रष्टाचार या फर्जीवाड़ा कर दें। लेकिन जब आपके सामने ऑप्शन ही बंद हो जाए, विकल्प ही बंद हो जाए कि आपके अंदर लालच ही ना रहे, आगे आपको कोई लालच ही का मतलब आशा ही ना हो, तो आप लोग निष्पक्ष तौर पर काम करेंगे। तो इसीलिए आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल खत्म होने के बाद भारत सरकार हो या फिर कोई राज्य सरकार हो कि किसी और नौकरी का पात्र नहीं होगा, ठीक है। आयोग के सदस्य कार्यकाल के बाद, सदस्य की बात कर रहा हूं, ये अध्यक्ष की बात कर रहा था, बड़े ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। आयोग के सदस्य के कार्यकाल के बाद आयोग के अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हो सकती है, लेकिन भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी का पात्र नहीं हो सकता। देखिए, जो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य होगा उसके पास एक विकल्प खुला रहेगा, वो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, और याद रखिए, या किसी राज्य का, जो राज्य में आप देखते हैं ना स्टेट पीसीएस होती है, जैसे यूपी पीसीएस है, बिहार पीसीएस है, तो इसका भी अध्यक्ष बन सकता है। ये विकल्प किसके पास?
सदस्य के पास खुला हुआ है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, क्या याद रखना है आपको, कि आपका इसके पास विकल्प है, लेकिन इस राज्य सरकारों में या भारत सरकार की किसी और नौकरी में काम नहीं कर सकता है, उसके पास ये विकल्प नहीं रहेगा। इसमें एक पॉइंट आप लोगों को और याद रखना है कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो या फिर वो सदस्य हो, एक कार्यकाल इनका अगर ख़त्म हो जाता है तो उसी पद पर ये फिर से नियुक्त नहीं हो सकते हैं। समझ में है? कहने का सीधा सा मतलब ये है कि मान लीजिए कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अभी प्रदीप कुमार जोशी साहब हैं, इनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद दोबारा ये अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं, और अगर कोई सदस्य है तो पुनः वो सदस्य नहीं बन सकता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और संसद, आप देखते हैं कि संसद में आपका लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होता है, तो संसद लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में प्राधिकरण, कॉरपोरेट निकाय या फिर आप देखेंगे सार्वजनिक संस्था के निजी प्रबंधन के कार्य भी करवा सकता है इससे, ठीक है। और इसमें आप लोगों को याद होना चाहिए कि राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा या फिर पद के संबंध में भी नियमन बना सकता है। कौन? ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति साहब के पास, जिसके लिए आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। आयोग से कोई परामर्श लेने की ज़रूरत नहीं होगी राष्ट्रपति को, परंतु इसे राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिनों तक के लिए संसद में रखना होता है और संसद इसे संशोधित या खारिज भी कर सकती है। और आप देखेंगे कि हमारे सर्वोच्च शक्ति अगर किसी में होती है तो प्रधानमंत्री में होती है, और आप देखेंगे कि नाम मात्र की शक्ति होती है किसमें? राष्ट्रपति में। कहने के लिए पद है, आप एक तरह से ये कह सकते हैं। आप देखिए कि लोकसभा और राज्यसभा ही कोई मतलब इस तरह का प्रस्ताव रखेगा, तभी आप जाके देखेंगे आप लोग कि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर हम लोग इसके आयोग के कार्यों की बात करें कि इसके काम कौन कौन से हैं, अब देखिए आप लोग कोई संस्था बनाते हैं तो कुछ उसका उद्देश्य भी तो रहता होगा, उसका कुछ काम तो होगा। अब देखिए आप लोग राज्य निर्वाचन आयोग हो या फिर आप देखिए राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग हो, आप देखते हैं कि राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग आपका लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, इन सब के चुनाव करवाता है, उसका काम ही यही है। तो इसी तरह इस आयोग के भी कुछ काम हैं। कौन कौन से काम हैं? परीक्षाओं का आयोजन करवाना, अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं और केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवा में नियुक्ति के लिए, जो UPSC की आप लोग तैयारी करते हैं ना, यही तो करवाता है इसका आयोजन। तीन चरणों में आप देखते हैं इसकी, आने वाले समय में हम लोग कल जब भी टाइम मिलता है इस पर हम लोग एक सेपरेट क्लास ले लेंगे आपकी, क्या पैटर्न होता है, कितने पेपर होते हैं, इस पर सब देख लेंगे एक तरह से। सरकार के तहत विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए भर्ती नियमों का निर्धारण और संशोधन करना, ये भी इसका कार्य है। राष्ट्रपति द्वारा आयोग को संदर्भित किसी भी मामले पर सरकार को सलाह देना, किसी राज्यपाल के अनुरोध पर किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह देना, आयोग हर वर्ष अपने कामों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, ये पॉइंट भी विशेष तौर पर आप लोग याद रखिएगा। आयोग जो संघ लोक सेवा आयोग है, ये हर साल आप देखेंगे कि अपने कामों की रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति साहब को, राष्ट्रपति साहब को। कुछ आर्टिकल भी आपके बताया था कि आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक ये आपके सभी संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं। एक एक करके सभी आर्टिकल को देख लीजिए, ठीक है। 315 की आर्टिकल 315 की बात करें तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन की बात करता है। समझ में आया आपको? आप देखते हैं कि UPSC जिस तरह से आप लोग केंद्र में सेंट्रल में देख रहे हैं ना, उसी तरह से आप लोग स्टेट में भी देखेंगे। MPPSC देख लीजिए, UPSC, UPPCS देख लीजिए, बिहार PCS, राजस्थान PCS, छत्तीसगढ़ PCS, ये सभी आर्टिकल 315 के तहत ही इनका गठन होता है, ठीक है। आर्टिकल 316 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 316 की बात करें,
तो सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल की बात करता है। कौन? आर्टिकल 316। आर्टिकल 317 की बात करें तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन यानी कि हटाने की बात करता है। कौन? 317। आर्टिकल 318 क्या कहते हैं? आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी जो भी नियम है इसे बनाने की शक्ति की बात करता है। आर्टिकल 318। अगर आर्टिकल हम लोग 319 की बात करें तो आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक की बात करता है। जो पीछे हम लोगों ने बात की हुई है ना कि सदस्य दोबारा सदस्य नहीं बन सकता है, सदस्य अध्यक्ष जरूर बन सकता है, ठीक है। आर्टिकल 320 की बात करें तो लोक सेवा आयोग के कार्यों की बात करता है। आर्टिकल 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति की बात करता है। आर्टिकल 322 लोक सेवा आयोग के खर्च की बात करता है। अब आप देखेंगे ये संस्था बनेगी, इसमें सदस्य रहेंगे, अध्यक्ष रहेंगे, तो खर्चा भी तो होगा। आर्टिकल 323 लोक सेवा आयोग के प्रति वेतन की बात करता है। तो ये सभी आर्टिकल आपके संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं। इन सभी आर्टिकल को याद रखिए, कौन सा आर्टिकल किस के बारे में बात करता है, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लेता है कि जो संघ लोक सेवा आयोग या लोक सेवा आयोग के कार्य हैं, कार्यों को कहाँ बताया गया है, किस आर्टिकल में बताया गया है, तो याद रखिए 320 है। तो ये कहानी है आपके संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। आगे हम लोग आने वाली समय में जब भी टाइम मिलता है तो हम लोग इसका पैटर्न क्या होता है, प्रारंभिक परीक्षा में इसके कितने पेपर होते हैं, माइनस मार्किंग है या नहीं है, मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होते हैं, किस तरह के पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितना टाइम मिलता है आपको, इस बारे में जो भी जानकारी होगी उस पर हम लोग एक एक करके देख लेंगे। और देखिए कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही साधारण शब्दों में हम लोग बात करेंगे और हर एक तरह से आप देखिए हर जगह हम लोग फोकस डालेंगे उस पर, ठीक है। तो चलिए, अगर कोई आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है और धोखे से भी हमसे अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो उसे बताया करिएगा, उसे भी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। आप लोग बताया जरूर करिएगा, आपका कमेंट हर कमेंट मैं देखता रहता हूँ, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नई क्लास में।